अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम साद है रियल उस्ताद से और मेरे साथ हैं जुहेब अतीक। DHA वैली हम फाइनली पहुँच गए हैं और DHA वैली की बेशुमार अपडेट्स हैं। बहुत सारी दुनिया ये कह रही है कि बहुत एक्सपेंसिव हो गया है DHA वैली, कोई शक नहीं है जिसके अंदर। बहुत सारे मार्क्स क्रॉस कर गया है, कोई शक नहीं है जिसके अंदर। लेकिन DHA वैली की असल पॉजिटिविटी उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पे एक्चुअली अपना घर बनाना चाहते हैं, वो लोग जो इसके ऊपर काफ़ी कई सालों से इंतज़ार कर रहे हैं कि ये उनको बनेगा, बहुत सारे इफेक्टिव हैं और उन इफेक्टिव के लिए इस वीडियो की गुड न्यूज़। बिल्कुल मेरे बैक साइड पर नज़र तो नहीं आ रही होगी, लेकिन ब्लू बेल से DHA फेज 2 एक्सटेंशन में कनेक्टिंग ब्रिज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग खैरियत से हैं। ये फाउंडेशन बन गई है इसकी ब्लू बेल साइड से, DHA वैली ब्लू बेल साइड से टूवर्ड्स DHA 6। यहाँ पे बीच में भी थोड़ा सा सरिये अगर आपको नज़र आ रहे हो, और आगे भी ये काम हो रहा है। हमने तकरीबन एक महीने पहले इसको कवर किया था इस एरिया को, और उस टाइम पे सिर्फ ड्रिलिंग वगैरह इसकी हो रही थी। अब इन्होंने काफ़ी सारा काम कर दिया। साथ में ये बताएं कि कुछ दिनों पहले हम लोग ने लोगों से ये शेयर किया कि रेट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं, तो थोड़ी सी अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो आप सोच समझ के करें। इस एरिया के अंदर मार्केट नीचे भी इसकी आ सकती है, बट आज की जो डेवलपमेंट है तकरीबन तमाम ब्लॉक्स में ही हो रही थी। बोगनविला में भी हो रही थी, मैग्नोलिया के अंदर भी हो रही थी, रोज़ और मैग्नोलिया के बीच में जो बुलेवर्ड है उसके ऊपर भी, यानी कि ज़बरदस्त किस्म का काम। मुझे तो ऐसा लग रहा था पूरी पिंडी इस्लामाबाद की जो मशीनरी है वो DHA वैली के अंदर लगी हुई है और बहुत सारा काम एकदम से स्टार्ट हो रहा है। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, DHA वैली में जो कर्नल अभी जो करंट जनरल साहब हैं, जनरल नवीद सफदर, वो करंटली इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि रोड कनेक्टिविटी के ऊपर काम कर रहे हैं। हमने डेवलपमेंट एज सच बहुत ज़्यादा होते हुए नहीं देखी। हाँ, कुछ बोगनविला के अंदर भी गाड़ियाँ चल रही थी, कुछ मैग्नोलिया के अंदर भी काम हो रहे थे, लेकिन सबसे जो बेसिक काम हो रहा है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रोड की कनेक्टिविटी हो। आप कलर सईदा रोड से कनेक्ट कर सकें इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे को वाया द होल ऑफ DHA वैली और फेज़ 2 एक्सटेंशन Phase 6 के थ्रू आप उसे कनेक्ट कर सकें। और जब ये कनेक्टिविटी बन जाएगी, ये गेन जो करेंटली मार्केट के अंदर आया हुआ है, वेल बहुत सारे टाइम से अवेटेड था और आ सकता था, लेकिन इससे ज़्यादा गेन सिर्फ तब ही हो सकता है कि जब ये कनेक्टिविटी बन जाए और रोड कनेक्टिविटी बन जाए, यानी मैं 10 मिनट के अंदर फ्रॉम कलर सईदा रोड टू इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे कनेक्ट कर सकूँ DHA वैली से और DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन से। अच्छा, साथ भी होम्स के हवाले से एक न्यूज़ आई भी है, वो थोड़ा सा बता दें। हम बहुत सारे लोग बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, हम जून जुलाई से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि DHA वैली के अंदर बैलेटिंग आना शुरू हो जाएगी। फिर उसके ऊपर DHA ने नॉन बैलेटेड होम मेंबर्स को ये कहा कि भाई आप 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। ऑप्शन नंबर 1 रिफंड ले लें, ऑप्शन नंबर 2 प्लॉट ले लें 21 लाख रुपए की वर्थ का, 23 लाख रुपए होम की वर्थ है, 5 मरले की बात कर रहा हूँ, 8 मरले में 42 लाख रुपए होम की वर्थ है, और 28 लाख रुपए का प्लॉट ले लें, बाकी रिफंड की मद में ले लें। या फिर आप ऐसा करें कि हम वो एनुअल इंक्रीज के तहत जो भी करंट मार्केट वर्थ होगा उसके ऊपर घर हम आपको बना के देते हैं। बहुत सारे लोगों ने घरों को भी चुना है, बहुत सारे लोगों ने, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने प्लॉट को सेलेक्ट किया है जो कि सबसे लुक्रेटिव ऑप्शन थी। और जब ये ऑप्शन आया था हमने भी यही रिकमेंड किया था कि प्लॉट वाला ऑप्शन सबसे बेहतर है। उस टाइम पे 5 मरले का प्लॉट 20 लाख रुपए से ज्यादा नहीं चल रहा था। हाँ। कि आप चलें ले लें, आपको ज्यादा उसके अंदर नुकसान नहीं होगा। और जो लोगों ने रिफंड ऑप्शन किया, रिफंड ऑप्शन उनको 6 महीने से 1 साल के अरसे में पेमेंट वापस मिलेगी, क्योंकि भाई DHA के पास पेमेंट है ही नहीं आपको रिटर्न करने के लिए। यानी जिसने फर्स्ट ऑप्शन ऑप्ट कर लिया वो बेचारा रह गया। तो जब ये न्यूज आई और उसके बाद ओलियंडर के घरों पे और इस तरीके के बहुत सारे DHA ने डॉक्यूमेंटेशन की, लेकिन खास तौर पे वो तमाम लोग के जिनको ये उनके नॉन बैलेटेड होम्स के ऊपर लेटर रिसीव हुए, उनके लिए DHA ने 22 सितंबर 2021 खुशखबरी दे दी है। आप वो तमाम लोग के जिनके पास ये वाले होम्स हैं, इन्होंने इन तीनों ऑप्शंस में से भी कुछ भी सेलेक्ट किया था, खास तौर पे जिसने नंबर 2 ऑप्शन सेलेक्ट की थी, वो DHA होम्स लिली ब्लॉक के अंदर जो इनका मेंटेनेंस का ऑफिस है वो वहाँ पे तशरीफ़ ले आएँ, या जो हम एग्जैक्ट उसका आपको अपडेट कर देंगे, या तो DHA वैली ऑफिस होगा, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली इट इज़ विद इन द होम्स लिली के अंदर आप तशरीफ़ ले आएँ, और वहाँ पे बैलेटिंग होगी उन तमाम मेंबर्स के लिए कि जिनके पास या तो ओपन सर्टिफिकेट में या फिर जिसके अंदर अलॉटमेंट लेटर फॉर्मेट के अंदर DHA होम नॉन बैलेट अपने पास मौजूद होगा। और आज 5 मरले का, और ये जो ये प्लॉट आपको 5 मरले का देंगे, इसके अंदर कोई 3 लाख रुपए के SDC आपने नहीं अदा करने, या 8 मरले के देंगे, ये 4.5 लाख रुपए SDC नहीं आपने देने, आपको एवरीथिंग पेड, एवरी कॉस्ट पेड, आपको उसके अंदर प्लॉट मिल जाएगा, और किसी भी सेक्टर के अंदर मिल सकता है। ज्यादातर एक्सपेक्टेड है कि ओलियंडर और लिली में ही मिले। भी जब ये ऑप्शन आया था तो ये ज्यादा एक समझ आने वाला ऑप्शन था उस हवाले से, बट स्टिल लोगों की अपनी चॉइसेस हैं, किसी ने उसके अंदर
रिफंड कर लिया किसी ने जो है वो बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से चले गए, बट ये सबसे अच्छा लुक्रेटिव उस हवाले से ऑप्शन था, क्योंकि हम लोग इन रेजिडेंशियल प्लॉट्स में जूस देख रहे थे कि डेफिनेटली जब ये प्रोजेक्ट टूवर्ड्स क्लोजर जाएगा तो ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो आपको मिल रहे हैं ये 20-20 लाख रुपए के नहीं रहेंगे, ये ग्रो कर जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और आज की डेट में भी ओलिएंडर और लिली के अंदर अगर आपके पास एक 5 मरला फर्स्ट बैलेट या सेकंड बैलेट फाइल है, 5 मरला 40 लाख to 55 लाख उसकी वर्थ है, 40 लाख to 55 लाख ओलिएंडर और लिली के अंदर। सो ऑल दोस पीपल जिन्होंने ऑप्ट किया सेकंड ऑप्शन को, प्लॉट को, उस वक्त 20 लाख रुपए का प्लॉट देखा और अल्लाह की तरफ इल्तजा कर दी, या अल्लाह मुझे मेरी इस इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा दे, जबकि इंतज़ार बहुत लंबा हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ प्रॉफिट, कुछ ना कुछ आपको अपने प्लॉट के अगेंस्ट, अगर 5 मरले का आपके पास होम है तो उसके ऊपर 5 मरले का प्लॉट जो कि 21 लाख रुपए डीएचए वर्थ केटर फॉर कर रहा है, मुमकिन है 40 से 55 लाख रुपए का आपको प्लॉट मार्केट के अंदर मिल जाए, ओलिएंडर और लिली के अंदर 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल जाए क्योंकि 21 लाख रुपए का वो प्लॉट केटर फॉर कर रहे हैं और 23 लाख रुपए का होम है, और इसी तरीके से 28 लाख रुपए का प्लॉट 8 मरले के ऊपर केटर फॉर कर रहे हैं। 8 मरले के अगर प्लॉट के बारे में जाएं तो ओलिएंडर और लिली पे 8 मरले का प्लॉट आज की डेट में तकरीबन 48 to 60 लाख रुपीज फर्स्ट और सेकेंड बैलेट की बात हो रही है, 48 to 60 लाख रुपीज, यानी इसके अंदर प्रोग्रेस है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा। और हम मुबारकबाद देते हैं उन तमाम लोगों को कि जिनके पास होम है, उन्होंने सेकेंड बैलेट को ऑप्ट किया और इंशाल्लाह उनको बहुत अच्छा इनाम मिलने वाला है। और प्रॉपर्टीज के अंदर जो कनेक्टिविटी का जो ये मामला सारा का सारा चल रहा है, आज हमने देख भी लिया बहुत हैवीली कनेक्टिविटी के हवाले से काम हो रहा है, यानी कि सीरियसनेस नजर आ रही है काम के अंदर, तो इसके हवाले से तो ये इनके रेट्स और फर्दर भी इंक्रीज़ होने वाले हैं। वेल, इनके रेट्स इंक्रीज हो सकते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं, अगर मैं 5 मरले का प्लॉट डीएचए 5 में लूँ प्रोडक्शन वाला तो तकरीबन 1 करोड़ 10-15 लाख रुपए करंट उसकी मार्केट वर्थ आज की डेट में एग्जिस्ट करती है, बायर इस रेट के ऊपर मौजूद है प्लॉट लेने के लिए। जब 5 मरले का प्लॉट 1 करोड़ 10-15 लाख रुपए का है तो यहाँ पे अगर 5 मरले का प्लॉट प्रोडक्शन में आ जाए तो क्यों ये 5 मरले का प्लॉट 40 से 55 लाख रुपए पे चल रहा है? ठीक बात है, कर लो ना थोड़ा 70-80 होना चाहिए ना, कुछ होना चाहिए, लेकिन पोजीशन आना फर्ज है। पोजीशन आते हुए डीएचए कह तो रहा है कि आके फिजिकल पोजीशन ले लो, लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूँ पहला घर बनने की, वो हिम्मत वाला आदमी जो यहाँ पे पहला घर शुरू कर लेगा, और जब शुरू कर ले तो हमें भी बुलाएं, हम भी जरूर कवर करेंगे। नहीं तो इधर आप जो है वो उनके साथ चाय पियेंगे या हम फिशिंग करेंगे इनके साथ? अरे यार, जो घर बनाना तो शुरू करें ना, घर बनाना शुरू करें तो चाय के हाल में अभी 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 थोड़ा सा कॉल एंड वील विजिट देयर हाउस एंड थोड़ा सा इंशाल्लाह हमारी भी ये उम्मीद है, यही हम एक्सपेक्ट करते हैं, और इतने टाइम से इस प्रोजेक्ट के साथ जो हम एफर्ट कर रहे हैं वो आप तमाम इफेक्टिस के लिए कर रहे हैं, आप लोग जैसे हमारी जर्नी पूरी डीएचए वैली से जब हमने स्टार्ट के लिए कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स के लिए भी कर रहे हैं, वो भी इसको देख सकते हैं और हमारी सर्विसेज को जो है वो अवेल कर सकते हैं। और आज तकरीबन कोई 2-1 साल होने वाले हम ये वीडियोस बना रहे हैं डीएचए वैली के ऊपर, तो पहले जो है वो बहुत दुर्कार मिलती थी, अब अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा फजल है, आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत मिलती है, तो उसके लिए शुक्रिया नवाजिश। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साथ में? लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होगी, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर होगा, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। हम भी इंशाल्लाह 22 सितंबर को मौजूद होंगे, हमारे पास भी एक नॉन वैलिडेटेड होम है, हम भी उतनी ये साथ भाई इफेक्टी है साथ भाई इफेक्टी है इसके चले अल्लाह करे आपको कोई वो अच्छा सा प्लॉट दे, जाके देखते हैं, वो कह रहे हैं प्लॉट भी आपको दिखाएंगे, सो लेट्स सी वो इवेंट भी इंशाल्लाह कवर करके देंगे, लेट्स सी वो कैसा गुजरता है। ख्याल रखिए, अस्सलाम वालेकुम।